नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। हम जो बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 14 के बारे में, जो लेसन नंबर 14 है पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, इसके बारे में तीन पार्ट अपन पहले इस पार्ट के कर चुके थे। आज हम इसका चौथा और लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन बात कर रहे थे जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं वो है मछली पालन। तो मछली पालन देखो किस तरह से किया जाता है और कौन कौन सी इसकी किस्में हैं जो पाली जाती है, तो इसके देखते हैं। तो जैसे आपको पता ही है मछली में प्रोटीन युक्त लाभकारी भोजन प्राप्त होता है। मछली से क्या होता है, मछली के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और कुछ अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक है, और जो आसानी से क्या हो जाते हैं, पच भी जाते हैं, तो इसलिए इसका मछली का पालन किया जाता है, ठीक है। इसमें मछली पालन जल स्रोत जैसे तालाबों, झीलों और नदियों में किया जाता है। तालाब, झील और नदियां, इनमें मछली पालन किया जाता है। ये आपको पता ही है, मछली पालन के लिए कम से कम क्या है, पानी की जरूरत पड़ेगी, तो यह है मछली पालन के लिए किया जाता है। मछलियों का उत्पादन खारे पानी की तुलना में मीठे पानी में अधिक होता है। ये आप समझते ही हैं कि मछलियों का जो उत्पादन होता है खारे पानी की तुलना मीठे पानी में अधिक होता है, अधिक उत्पादन होता है और अधिक मात्रा में यानी उसको प्राप्त कर सकते हैं। इनके उत्पादन के लिए चिकनी मिट्टी के जलाशय अच्छे माने जाते हैं, यानी जो चिकनी मिट्टी के होते हैं वो जलाशय अच्छे माने जाते हैं। चिकनी मिट्टी आप समझते हो, जैसे एक तो बालू मिट्टी होती है जो रेगिस्तान में पाई जाती है, वो नहीं, एक चिकनी मिट्टी होती है जो मैदानी इलाकों में इनमें कहीं में पाई जाती है, वो होती है चिकनी मिट्टी, ठीक है, वो उसके जलाशय बने होते हैं तो उसमें मछली उत्पादन अच्छा होता है। उसके बाद है इसके लिए जलाशयों का ताप, प्रकाश और ऑक्सीजन और जल प्रवाह उचित होना चाहिए। ऐसे जलाशय होने चाहिए जिनके ताप नियंत्रित होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है ज्यादा का या कम ताप हो तो भी मछली उत्पादन अच्छा नहीं होगा, वहां मछली उसमें जिंदा नहीं रह पाएगी। दूसरा है प्रकाश, जलाशय इतने गहरे नहीं कर देने चाहिए कि उसमें प्रकाश ही नहीं पहुंचे। हर जीव को आपके लिए पता है कि प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा तो भी मछली उत्पादन अच्छा नहीं होगा। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और जल प्रवाह नियमित रूप से जल को बदलते रहना भी चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या होता है मछली उत्पादन, यानी ये उचित माना जाता है मछली उत्पादन के लिए। इसके बाद बात करें कि मछली को भोजन में क्या क्या दिया जाता है, तो मछली प्राकृतिक भोजन जो प्रकृति अपने आप उससे प्राप्त करती है वो है सूक्ष्म जलीय जीव, जलीय जंतु एवं पादप, यानी पानी के अंदर ही जो कुछ आप देखते हैं, पानी के अंदर भी क्या होते हैं छोटे छोटे पादप और पानी के अंदर भी लगते हैं, ठीक है, उनको खाती है और छोटे छोटे मछली, छोटे छोटे जो पानी के अंदर कीट वगैरह होती है उनको भी क्या कर लेती है, खा लेती है। तो एक तो भोजन हो गया, दूसरा देखो मछली पालन के लिए कृत्रिम रूप से उनको भोजन दिया जाता है, चावल की भूसी, जैसे चावल का ऊपर छिलका होता है उसकी भूसी बनती है, वो है गेहूं का चापड़, गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े करके, अनाज के टुकड़े और कई अनाज है उनके टुकड़े उनको दिए जाते हैं, तो वो उनको भोजन के रूप में ग्रहण करती है, ठीक है। उसके बाद देखो मीठे यानी अलवणीय जल में मछली पालन की जातियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो मीठे जल में उनके, तो देखो एक तो है देसी जातियां, देसी मछलियां और एक विदेशी, तो देसी में कौन कौन सी है, देखिए रोहू, कतला और मिरिकल, ये तीन जातियां हैं देसी जो मीठे पानी में पाई जाती है, इनका पालन किया जाता है मछली पालन के लिए, इन तीन प्रजातियों का मछलियों की पाला जाता है, तो रोहू, कतला और मृगल। वहीं विदेशी एक जाति है कामन कार्प, कामन कार्प एक विदेशी जाति है जिसको भी मीठे पानी में पालन के लिए काम में लिया जाता है। तो ये था मछली पालन के बारे में, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन आगे देखते हैं वो है पशुपालन। पशुपालन में आपको पता है, पहले तो देख लेते हैं पशुपालन कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य एवं प्रजनन का अध्ययन करते हैं उसे पशुपालन विज्ञान कहते हैं। पशु पालने का ये मतलब नहीं है कि पशु अपने पास रखे आके रखना, उसके साथ साथ उनके भोजन का, उनके आवास का, उनके स्वास्थ्य का और उनके प्रजनन का सभी चीजों का ध्यान रखना, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। तो पशुओं में सिर्फ अपन गाय के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि पशु पालने के मतलब होता है गाय या भैंस को पालना, इसमें और भी बहुत सारे आते हैं जिसके आधार पर एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो दूध उत्पादन, पशुपालन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोगों का दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है भारत, ठीक है। इसमें भी सबसे ज्यादा किससे दूध उत्पादित होता है, भैंस से, और दूसरे नंबर आती है गाय, विश्व में भी ऐसी है सबसे ज्यादा भैंस से होता है और फिर गायों से दूध का उत्पादन होता है। उसके बाद करें डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में गाय, भैंस, बकरी को पालकर बड़े पैमाने में दूध उत्पादन
के व्यवसाय को डेयरी उत्पादन कहते हैं, यानी बहुत बड़े संख्या में गाय या भैंस या बकरी को पालकर क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन व्यवसाय के लिए किया जाता है, तो उसे डेयरी उद्योग कहते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा डेयरियों के बारे में, जहां से दूध क्या किया जाता है, बहुत सारे अपने शहर में गांव में इनमें सप्लाई किया जाता है, तो वहां पर बहुत सारे पशुओं को पालकर दूध उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है भैंस की नस्लें कौन सी है जो अच्छे दूध का उत्पादन करती है, अच्छे उत्पादन वाली ये नस्लें हैं। भैंस की नस्लें जाफराबादी, मुर्रा, सुखी, भदावरी और मेहसाणा, ये भैंस की उन्नत किस्में हैं। आपको पेपर में दो उन्नत किस्मों के नाम पूछ सकते हैं, अच्छी किस्में दूध उत्पादन वाली, तो आप इसमें याद रखना, कोई से भी दो याद रख लेना, लेकिन अपन सभी याद करेंगे जाफराबादी, मुर्रा, सुखी, भदावरी और मेहसाणा, ये भैंस की हैं। वैसे गाय की अच्छे उत्पादन वाली दूध की जैसे गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी और हरियाणवी या हरियाणा, ये गाय की अच्छे दूध उत्पादन वाली नस्लें हैं। वही बकरी की बात करें अच्छे दूध उत्पादन वाली, तो सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना और जमुनापरी, ये है बकरी की अच्छे उत्पादन वाली नस्लें। उसके बाद अपन बात करें कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। मुर्गी पालन का एक और नाम क्या होता है, कुक्कुट पालन, यानी मुर्गी पालने को कुक्कुट पालन भी कहते हैं। देखो मुर्गी का पालन क्यों किया जाता है, अंडे और मांस के लिए, इसमें क्या होता है प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है इसमें। ठीक है, तो अंडे और मांस के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, इसमें प्रोटीन अधिक होता है। इनके अच्छे उत्पादन के लिए पौष्टिक भोजन में आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है। अगर आप इनका मांस और अंडे अच्छे उत्पादन लेना चाहते हो, तो उनको अच्छा भोजन देना और उसको अच्छा रहने के लिए भी अच्छा आवास देना। आपको पता होगा भारत में अंडे उत्पादन की दृष्टि से सातवां स्थान है, अंडे उत्पादन में सबसे ज्यादा अंडे उत्पादन में कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है। ठीक है, उसके बाद कहें ऊन उत्पादन, ऊन का उत्पादन किससे होता है, सबसे मुख्य रूप से भेड़ों से, भेड़ों से, भेड़े कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा भेड़े उत्तरी भारत में, सबसे ज्यादा भेड़ों का पालन ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है, उत्तरी भारत में आते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये इसमें हिमाचल प्रदेश ये इलाके आते हैं, वहां पर इनका भेड़ों का मुख्य रूप से पालन ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि वो ठंडे इलाके होते हैं। ठीक है, भेड़ के बालों से ऊन तैयार की जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, भेड़ के बालों से क्या किया जाता है, ऊन को तैयार किया जाता है। आजकल वैसे कृत्रिम रूप से भी ऊन बनाई जा रही है, प्लास्टिक से भी, लेकिन अपन यह बात कर रहे हैं पशुपालन में, तो पशुओं से कौन से ऊन प्राप्त की जाती है, तो भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती है। और देखते हैं यहाँ भेड़ों की देसी नस्लें कौन सी, अपनी देसी नस्लें जिनसे ऊन का उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, तो जिसमें है लोही, नली, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, ये कुछ अच्छी ऊन उत्पादन वाली नस्लें हैं भेड़ की। और आपको देखते हैं भेड़ का ऊन का कलर भी कई बार अलग अलग होता है, जो एक तो निर्भर करता है भेड़ों की नस्लों पर, भेड़ की नस्ल कौन सी है उससे ऊन का कुछ अलग कलर में भी फर्क आ जाता है, और दूसरा होता है उसका जलवायु कैसा है, वहां का जलवायु कैसा है, ठंडी जगह है, गर्म जगह है, तो उसके ऊपर भी ऊन का कलर निर्भर करता है भेड़ों का। तो यह था पशुपालन के बारे में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अगला है परवाल एवं परवाल भित्तियां। तो परवाल एवं परवाल भित्तियां क्या होती है, देखो परवाल एक प्रकार का जीव होता है, ठीक है, रीढ़ रहित समुद्रीय जंतु है ये, बिना रीढ़ की हड्डी वाला एक समुद्रीय जंतु है। ठीक है, यह जंतु है कौन से संघ का है, सिलेटेंटा संघ का है। अगर आपसे पूछे परवाल कौन से संघ का जंतु है, तो सिलेटेंटा संघ का है। ठीक है, यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल, इसके ऊपर शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाता रहता है। ठीक है, तथा उसका स्राव भी करता रहता है। ठीक है, जिससे कोरल या परवाल कहते हैं, जिससे वो स्रावित करता है कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, जो स्रावित उसके ऊपर शरीर के ऊपर बनाता रहता है और उसको स्रावित करता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरल या परवाल कहते हैं, इसको कोरल भी कहते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में कहीं कोरल आ जाए और आपको कंफ्यूजन हो जाए तो याद रखना कोरल या उसे कंकाल कहते हैं। अधिकांश परवाल या कोरल एंथ्रोजोआ वर्ग के जीवों द्वारा स्रावित किया जाता है। सबसे अधिक कौन से वर्ग के जंतु इसका स्राव करते हैं, परवाल या कोरल का, तो लिखेंगे एंथ्रोजोआ वर्ग के जो जीव होते हैं। देखो परवाल में भी अलग अलग वर्ग होते हैं, परवाल के भी अलग अलग वर्ग होते हैं, जिसके अंदर एंथ्रोजोआ वर्ग का सबसे ज्यादा स्रावित करने वाला परवाल ये है। समुद्र में परवालों के लगातार मुकुलन से चूनेदार चट्टाने या कवच के टीले बन जाते हैं, जिसे परवाल भित्तियां कहते हैं। देखो समुद्र में ये क्या करते रहते हैं, लगातार एक ही जगह कार्बन
जैसे ये प्रवाल है, जैसे ये मान लो समुद्र का तल है, उसके अंदर ये प्रवाल ऐसे ऐसे करते 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 इतना ऊपर तक उठ जाता है कि ये समुद्र का लेवल यहाँ है और ये टीले जैसे बन जाते हैं। तो इतना गहरा बना देते हैं कि चूने की चट्टानें जैसे लगते हैं। दिखने में ये बिल्कुल स्पंज जैसा होता है, यानी बीच में छेद छेद दिखते हैं लेकिन कठोर होता है, ठीक है, और ये भित्तियां बन जाती हैं, जिसे प्रवाल भित्तियां कहते हैं। इसको प्रवाल भित्तियां कहते हैं। चूने के ऊपर से ऊपर परत बनती रहती है, जिसे एक पहाड़ जैसी संरचना बन जाती है, छोटे द्वीप बन जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रवाल भित्तियां कहते हैं। ठीक है, तो ये था प्रवाल भित्तियों के बारे में छोटा सा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं मोती या मुक्ता संवर्धन। मोती या मुक्ता संवर्धन क्या होता है, मोती कैसे प्राप्त होता है? तो देखो, मोलास्का संघ के जंतुओं में, जो मोलास्का संघ से जंतु होते हैं, उससे बटन, मोती और कोड़ी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनसे प्राप्त किया जाता है। तो मोती, कोड़ी और कौन से संघ के जीवों द्वारा प्राप्त होता है? मोलास्का संघ के। मुक्त सुक्तियों से अति सुंदर, आकर्षक एवं मूल्यवान मोती मिलते हैं। मुक्त सुक्तियां होती हैं, उनसे क्या होते हैं? अति सुंदर, मूल्यवान और आकर्षक मोती मिलते हैं। कृत्रिम रूप से सीपियों को पालकर उसे मोती या मुक्ता प्राप्त करना मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। कृत्रिम विधियों से, यानी मीठे पानी के अंदर सीपियों को पालकर उससे भी मोती प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है? मोती या मुक्ता संवर्धन। इस प्रकार का बना मोती क्या होता है? होता तो मोती है, लेकिन इतना अच्छा मूल्यवान नहीं होता, उतना ज्यादा कीमती नहीं होता जितना ये समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो समुद्री अयस्कर से प्राप्त लिंगा मोती, ठीक है, लिंगा मोती सबसे उत्तम माने जाते हैं। जो समुद्र से प्राप्त होते हैं लिंगा मोती, वो सबसे ज्यादा उत्तम माने जाते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में मीठे पानी वाले क्या होते हैं? कम कीमती होते हैं, कम मूल्यवान होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो थे जंतुओं के आर्थिक महत्व, इसके बाद कुछ और जंतुओं के आर्थिक महत्व तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रंग, सल कीट से टैनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किया जाता है। सल कीट होता है, उससे टैनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अपमार्जक, अपमार्जक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। वैसे अपमार्जक एक साबुन और अपमार्जक वहां भी पड़ा था, ये अपमार्जक नहीं, ये दूसरे अपमार्जक है जिनको अपन कहते हैं, नाम तो इनका भी अपमार्जक है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे कोई पेड़ टूट गया है, गिर गया है, या कोई जीव जंतु मर गया है, तो उससे क्या हो जाता है? उससे दुर्गंध फैलती है, बदबू फैलती है, जिससे बीमारियां फैल सकती है, तो उसको क्या कर देते हैं? वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव का काम है। तो अपमार्जक सड़ने से, दुर्गंध फैलने से रोकते हैं। ठीक है, कुछ ही देर में आप देखते हैं कोई जीव जंतु मर जाता है, तो थोड़े में छोटे छोटे कीट वगैरह उसको खाकर वहां से नष्ट कर देते हैं, जिससे बदबू वगैरह नहीं फैलती है। उसके बाद है औषधीय महत्व के बाद, औषधीय कौन सा है? ब्लिस्टर वर्गों से कैथाराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है। जो ब्लिस्टर मर्ग होते हैं उनसे क्या होता है? कैथाराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है, जो बालों को झड़ने से रोकने में काम में ली जाती है। जो बालों से झड़ने से रोकने में जो दवाइयां बनती है उसमें ये डाला जाता है, कैथाराइडिन औषधि। ठीक है, जो किससे प्राप्त होता है? ब्लिस्टर मर्गों से। इसी तरह कोचिनिल कीट से कॉर्मिनिल अम्ल प्राप्त किया जाता है। कोचिनिल कीट से कॉर्मिनिल अम्ल प्राप्त किया जाता है, जिसको उपचार कुकर खांसी कहते हैं, उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कुछ भोजन के रूप में आदिवासी क्या करते हैं? मेंढक, छिपकली, सांप, मछली आदि इनको क्या करते हैं? भोजन के रूप में भी लेते हैं। कुछ मांसाहारी जो मनुष्य होते हैं, आदिवासी वगैरह जो बहुत सारे होते हैं, वो क्या करते हैं? इनको भोजन के रूप में भी लेते हैं। उसके बाद है पार्कों में परागण। आपको बताया था परागण, यानी एक पुष्प पर दूसरे पुष्प पर, यानी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं, तो जो कण होते हैं वो परागण की क्रिया करते हैं। परागण की क्रिया में कौन कौन से भूमिका निभाते हैं? देखो, तितली, चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, भ्रंग यानी भौरा अपन जिसे बोलते हैं, वो सारे क्या करते हैं? एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठते रहते हैं, जिससे हमें क्या होता है? परागण की क्रिया अच्छे तरीके से होती है। तो ये था पादपों का आर्थिक महत्व। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये था आपका 14 पाठ, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सलाह या कमेंट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।